महोबा जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं वैसे भी धड़ाम चल रही हैं। अभी हाल में ही जिला चिकित्सालय बारिश से लबालब भर गया था, जिसकी खबर मीडिया में प्रमुखता से छापने पर प्रशासन की नींद खुली और आनन फानन व्यवस्था ठीक करने में जुट गए। वहीं अब भी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी सब जानते हुए भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह कुलपहाड़ में बने मातृ शिशु एवं कल्याण उपकेंद्र के वहाँ के कर्मचारी जान जोखिम में डाल अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इस समय बद से बदतर है। स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल काम करने को मजबूर हैं। कुलपहाड़ तहसील में बने मातृ शिशु एवं कल्याण उपकेंद्र का भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। जगह जगह छतें टपक रही हैं, बिल्डिंग धराशायी होने की कगार पर है, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी छत टूट टूट कर गिर रही हैं। वहीं कर्मचारियों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ पे जो गंदगी डाली है ऑफिस में, इसकी सफाई वफाई नहीं होती है? नहीं होती। कब से नहीं हो रही है? से कम एक महीने। आपने शिकायत नहीं की? नहीं की किसी से। यहाँ पे कोई अधिकारी आते है ऐसे में कैसे कार चल रहा हो इनका? सब बंद है, सब घर से हो रहा है सब। यहाँ तो सब बंद कर दिया उन्होंने, और जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है। और कुछ बताएंगे आप? और आपको दिख रहा है, और लोग अधिकारी आते हैं वो देख के चले जाते हैं। पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, टपड़ा पूरा पड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। और जो यहाँ कर्मचारी बैठते हैं वो भी नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए आम जनता को वहाँ परेशानी भी होती है। टीकाकरण का ये स्थान है कुलपहाड़ का, इसमें लिखा है मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेंद्र कुलपहाड़ ग्रामीण महोबा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे को टीकाकरण होता था वो भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चों का भविष्य में खतरा भी हो सकता है। और कोई भी अधिकारी इसको नज़रअंदाज कर रहा है, देखने से मनाही कर रहे हैं, कुछ को देखते के चले जाते हैं।